कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आंकड़ों का मकर जाल है। उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बजट को लोक लुभावना बताया। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह दिशाहीन है। इस बजट से ना तो देश की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार होगा और ना ही देश के विकास में कोई दर हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट से हिमाचल प्रदेश को काफी उम्मीदें थी। सेब आयात शुल्क बढ़ाने और कोविड से पर्यटन कारोबार चौपट हो गया। इसके अलावा बजट से रेल विस्तार सहित काफी उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हिमाचल के लोगों को निराश किया है। पिछले कल केंद्रीय बजट आया, बहुत उम्मीद थी लोगों को, प्रदेश के लोगों को, कि इस बजट में हिमाचल के लिए कोई राहत पैकेज होगा, क्योंकि जिस ढंग से कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। हमारा जो पर्यटन उद्योग है उस उद्योग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उसी तरह से हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं और हमारे छोटे व्यापारी हैं और हमारे जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग है वो भी बुरे हालात में, क्योंकि बहुत सारे उद्योग जो है प्लान कर चुके हैं और कुछ तैयारी में, भारी संख्या में जो लोग वहाँ काम करते थे उनकी छटनी हुई। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में जो मध्यम सूक्ष्म उद्योग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई राहत मिलेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ योजनाएं केंद्र की ऐसी है जिससे हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बढ़ा चढ़ा के गुणगान कर रहे हैं कि हिमाचल को जो है सस्ते दर पे कर्जा मिलेगा। ना तो जीएसटी में कोई कटौती हुई, ना ही मध्यम वर्ग को कोई राहत देने का प्रयास हुआ, युवाओं के लिए कोई योजना नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो हिमाचल के लोग अपेक्षा कर रहे थे कि जो हमारा सेब उद्योग है वो संकट में, जो विदेशों से सेब आयात हो रहा है उस वजह से हमारे जो सेब उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चुनाव से पूर्व, इनके और भी काबीना मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि हम सेब पर आयात शुल्क बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री जी ने भी अभी दिल्ली जाकर केंद्र के नेताओं से मिलकर ये बात रखी थी, लेकिन मुझे लगता है अनसुना कर दिया गया।